हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं दिलीप। और दोस्तों, आज के मिशन में बात करने वाले कि आप घर बैठे खुद से अपने मोबाइल से आप अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आपके राशन कार्ड में नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क्या आपका राशन कार्ड बन चुका है कि नहीं बन चुका है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया हुआ था, नाम जुड़वाया हुआ था, तो वो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि कैसे आप डाउनलोड करके पता कर सकते हैं कि आपका नाम राशन कार्ड में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, या आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है। तो पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको आना है यहां पे गूगल पे, और देख सकते हैं मैं हूं यहां पे गूगल पे, और यहां आपको टाइप करना है ईपीडीएस बिहार। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही आप ईपीडीएस बिहार आप यहां पे टाइप करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहां पे एक लिंक ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। बहुत सारे वेबसाइट यहां पे ओपन होंगे जो कि आप देख सकते हैं यहां पे, बट आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला लिंक ओपन करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज राशन कार्ड बिहार। यहां पे आप देख सकते हैं, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करें। बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको चूज करना है। जैसे कि मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूं, मैं यहां पे गोपालगंज चूज कर ले रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, आपको पता चल जाएगा। अब हम यहां करेंगे शो। जैसे यहां शो करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक डाटा यहां पे आएगा जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टोटल रूरल और अर्बन, यहां पे टोटल कितने मतलब राशन कार्ड यहां पे बनाए गए हैं गोपालगंज में, वो आपको यहां पे शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां पे चूज करना है कि आप रूरल से बिलोंग करते हैं या अर्बन से, तो आप यहां चूज कर लें। तो मैं यहां पे रूलर से बिलोंग करता हूं तो मैं यहां रूलर चूज कर लूंगा। जैसे मैं यहां पे रूलर पे क्लिक किया दोस्तों, तो उस क्षेत्र में जितने भी ब्लॉक हैं यहां शो करने लगेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां ब्लॉक शो कर रहा है, तो आपको अपना ब्लॉक पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे कटिया ब्लॉक को चूज करता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे कटिया ब्लॉक चूज करूंगा। तो जैसे वहां पे मैंने क्लिक किया तो कटिया में जितने पंचायत है उसका यहां पे लिस्ट शो हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं पंचायत यहां पे कटिया का शो करने लगा, कटिया में जितने भी पंचायत यहां पे शो कर दिया। अब आपको यहां पे पंचायत अपना चूज करना है जो कि इस तरह है। अब आप अपना पंचायत यहां चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं यहां पे कटिया को ही चूज कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे यहां पे कटिया में चूज करेंगे तो आपको यहां पे विलेज भी शो कर देगा। तो जैसे आप विलेज वाले पे क्लिक करेंगे ना, तो यहां पे आपको एफपीएस नेम शो कर देगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। FPS नेम का मतलब होता है जो लोग डीलर होते हैं, जो आपको राशन बांटते हैं, उनका नाम यहां पे शो कर देगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका जो घर का जो राशन मिलता है या आपके गांव के जो अगल बगल का राशन मिलता है वो कहां मिलता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज यहां पे मैं किसी को भी चूज कर ले रहा हूं, यहां पे जैसे मैं अशोक प्रसाद को चूज कर रहा हूं। तो अशोक प्रसाद इतने लोगों को राशन बांटते हैं जो कि 17 मेंबर है यहां पे, आप देख सकते हैं 17 फैमिली को ये राशन बांटते हैं, और ये यहाँ पे कार्ड नंबर शो कर रहा है और कार्ड टाइप यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे राशन कार्ड होल्डर का नाम शो कर रहा है और उनके पिताजी का नाम शो कर रहा है, नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं उस राशन कार्ड में, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो सपोज आप जिस किसी को भी यहाँ पे जानते हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे नाम सर्च करेंगे और देखेंगे कि आपका क्या इसमें नाम शो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं शो कर रहा है तो आपको बारी बारी से PFF नेम को क्लिक करके चेक करना पड़ेगा कि आपका कहां पे राशन कार्ड मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप इस राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे डाउनलोड हो जाएगा आपका राशन कार्ड। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका राशन कार्ड डाउनलोड हो गया, और ये राशन कार्ड आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। यहां पे आपका सदस्य का नाम शो कर रहा है, परिवार के सदस्यों का पूरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है, या अगर आपने नाम जुड़वाए हैं तो क्या उसमें नाम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं इस राशन कार्ड को, और यूज भी कर सकते हैं जहां कहीं भी यूज करना है, तो इस तरह से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपने स्टेट का नाम वहां पे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उस स्टेट से रिलेटेड वीडियो बनाऊं और आप तक वीडियो को पहुंचाऊं। तो आप अपने स्टेट का नाम यहां डालें कि आप किस स्टेट के ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले वैकेंसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।